नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट से हमारे चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम के ऊपर एक लेजर फायर किया। क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, इसके जवाब तो मिलेंगे ही। प्लस ये भी बताऊंगा कि हम ये खुद क्यों नहीं कर पाए, नासा ने हमारे स्पेसक्राफ्ट के साथ क्यों किया। तो सबसे पहले जानते हैं क्या किया। नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है LRO यानी लूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर। ये 2009 में लॉन्च हुआ था। उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है कॉल्ड लोला। अब मुझे पता है हंसोगे, बट सुन लो मेरी बात। लोला का फुल फॉर्म है लूनर ऑर्बिटर लेजर ऑल्टीमीटर। नाम से शायद कुछ लोगों को पता चला होगा, पर एक ऑल्टीमीटर है। ऑल्टीमीटर मतलब स्पेसक्राफ्ट से नीचे का पार्ट जो है वो ऑल्टीट्यूड मेजर करेगा कि कितना दूर है सरफेस। कैसे करेगा, ये लेजर फायर करेगा, लेजर रिफ्लेक्ट होगा सरफेस से, वापस आएगा और फिर आप स्पीड ऑफ लाइट से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने टाइम में वापस आया, बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट से, और उस टाइम से पता लग जाएगा आपको कि कितना डिस्टेंस था आपके और नीचे के सरफेस में। ये सिमिलर चीज अपने चंद्रयान 3 और 2 पे भी थी। वो लेजर ऑल्टीमीटर था, साइड में आपने देखा होगा एक एंगल चीज थी, वो एक लेजर ऑल्टीमीटर था। तो जैसे चंद्रयान 3 नीचे जा रहा था, ये लेजर ऑल्टीमीटर मेजर करता कि कितना दूर है सतह अभी। पर ऑफकोर्स वो लैंडर था, वो नीचे जाके अभी लेजर ऑल्टीमीटर कोई काम का नहीं है, पर ये स्पेसक्राफ्ट के ऊपर है ऑर्बिट में, स्पेस में। तो फिर इसने मतलब क्या किया एग्जैक्टली, ये लेके उन्होंने हमारे चंद्रयान 2 के ऊपर शाइन किया और उसे वापस उसका रिस्पॉन्स मिला। पर इतना तो सिंपल हो नहीं सकता, राइट? तो ये हमें जानना होगा कि कैसे किया, हाउ। देखो सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के जस्ट कहां भी शाइन नहीं किया था। चंद्रयान 3 के ऊपर जहां आपने छोटे गोल गोल चीजें देखे वो तो TTC एंटेनास है, पर उसके साइड में ही ये माउंटेड है कॉल्ड LRA यानी लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये उनका नया जनरेशन का है जो बहुत छोटा है, बस 5 सेंटीमीटर। नासा इसे ओरियो साइज्ड कहती है। अब नाम से शायद कुछ लोगों को पता चला, कुछ लोगों को नहीं, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। रेट्रो रिफ्लेक्टर मतलब ऐसी चीज, मतलब जिसके आप अगर उसके ऊपर लाइट शाइन करोगे तो वो वापस आ जाएगी। एनीवेज रेट्रो मतलब बैक होता है, राइट, रिटर्न। रिफ्लेक्टर मतलब ऐसा रिफ्लेक्टर जो जिसके ऊपर लाइट शाइन करोगे वही लाइट आपकी तरफ ही वापस आएगी। आपने देखे हाईवे के ऊपर वो वार्निंग बोर्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे हाई बीम करते हो वो बोर्ड शाइन करने लगते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे रेट्रो रिफ्लेक्टर्स है जिनके ऊपर आप थोड़ा भी लाइट शाइन कर दो उतना ही लाइट आपकी तरफ वापस आएगा, इसलिए वो काफी ब्राइट दिखते हैं थोड़े लाइट में ही। पर अगर आप ये नासा का डायग्राम देखो तो इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं, राइट, इसलिए इसे अरे कहा जाता है, रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। एक और चीज अगर आप इस नासा की फोटो में देखो इस LRA के, तो 6 लाइंस है। वो 6 लाइंस क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये एक कॉर्नर क्यूब रिफ्लेक्टर है। मतलब अगर आप क्यूब लो और उसका कॉर्नर लो और उसे एंगल करो देन वो आपका रेट्रो रिफ्लेक्टर बन जाएगा। इस रे लाइट डायग्राम से आपको शायद पता चले कैसे वो वापस आ रहा है। पर 6 क्यों है, राइट, क्यूब के कॉर्नर में तो 3 होते हैं, वो इसलिए क्योंकि बाकी 3 दूसरों के रिफ्लेक्शन से, तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो 6 लाइंस है, बट एक्चुअली वो 3 लाइंस है और बाकी 3 रिफ्लेक्ट हो रहे हैं दूसरे साइड पे। और अगर हम लोला की बात करें तो लोला कुछ ऐसे दिखता है नासा का। एक साइड में एक लेजर सोर्स है जो लेजर फायर करेगा और दूसरे साइड में रिसीवर है जो बेसिकली एक टेलीस्कोप है जो फोकस करेगा इनकमिंग लाइट को डिटेक्टर पे, जो बाद में पीछे जाके ऑप्टिक फाइबर से रीराउट होता है और वो अलग अलग चीजें होती है उसमें। पर अगर आप थोड़ा जूम करो इस इमेज के ऊपर आपको दिखेंगे डॉट्स दिख रहे हैं, पाथ। वो इसलिए क्योंकि लोला का जो है वो एक सिंगल लेजर बीम है नहीं, वो एक्चुअली 5 लेजर बीम्स है। और अगर आप ये डायग्राम देखो तो आपको पता चलेगा कि एक बीम जो है वो 5 मीटर इल्यूमिनेट करती है सरफेस पे, यानी 5 मीटर वाइड इल्यूमिनेशन होगा सरफेस पे, और ऐसे दूसरे बीम्स एक दूसरे से सेपरेटेड है डिस्टेंस से। ये 5 होने का भी रीजन इंटरेस्टिंग है। सपोज ठीक है, अगर आप ये फायर करते हो ऐसे जगह पे जहां पे स्लोप है, तो क्या होगा, एक डॉट ऊपर होगा दूसरा डॉट नीचे होगा। इसका मतलब ये है कि एक डॉट ज्यादा तेजी से वापस आएगा उसका लाइट और दूसरे डॉट का लाइट कम तेज से वापस आएगा, स्लो आएगा। तो इससे आप स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हो टू एन एक्सटेंड। इसकी एक्यूरेसी आपके क्लॉक के टाइमिंग की एक्यूरेसी या जो रेजोल्यूशन उसके ऊपर डिपेंड होगी, पर है काफी इंटरेस्टिंग। और वही काम था लोला का मेनली, कि टोपोग्राफी मैप करना है चांद के आसपास के सरफेस का, और उन्होंने किया जो आपकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट दिख रहे हैं। उसके बजाय वाटर मैपिंग वगैरह, अगर वो एब्जॉर्ब वगैरह करता है पानी तो वो सब भी था। तो काफी इंटरेस्टिंग है नासा का लोला। तो हमारे मिशन के हमारे केस में जब LRO ऊपर या क्लोज पहुंच गया था चंद्रयान 3 के, तो उन्होंने ये शाइन किया चंद्रयान 3 के ऊपर। अब ये इजी नहीं था क्योंकि ये 5 डॉट्स है, राइट, और कोई भी एक डॉट गिर जाए कैसे गिरेगा बहुत डिफिकल्ट एक्यूरेटली डिटरमिन करना, तो उन्हें मल्टीपल ट्राइज करने पड़े। पर एकाध गिर गया LRA के ऊपर और उन्हें वो वापस मिल गया, काफी ब्राइट सिग्नल। अगर मैं आपको ग्राउंड का एग्जांपल दिखाऊं तो ग्राउंड पे कुछ ऐसा वो टेस्ट कर रहे थे LRA को, तो वो कुछ ऐसे दिखता है 5 डॉट्स अगर रिफ्लेक्ट होके आए। ये फर्स्ट टाइम कोई LRA फ्लाई नहीं कर रहा था चंद्रयान 3 के ऊपर, चंद्रयान 2 के ऊपर भी नासा ने दिया था कुछ एस्ट्रोबोटिंग मिशंस भी और दूसरे भी, पर ये फर्स्ट सक्सेसफुल वाला था जिसके ऊपर जिसके साथ वो कर पाए इसे, और ये भी फर्स्ट इस रीजन में साउथ पोल में। तो हाँ, ये उनका नया जनरेशन है और वो
और भी फ्लाई करेंगे आगे। इससे पहले बड़े रेट्रो रिफ्लेक्टर्स यूएसए ने, सोवियत यूनियन ने फ्लाई कर चुके ऑलरेडी। ये अपोलो का आप देख सकते हो कितना बड़ा रेट्रो रिफ्लेक्टर है, पर ये क्यों किया, मतलब क्या ही फायदा किया ये सब करने का। एक बोरिंग रीजन है और एक इंटरेस्टिंग रीजन बताता हूँ। बोरिंग वाला पहले बताता हूँ। बोरिंग वाला ये है कि शायद अगर कुछ कभी अर्थक्वेक आए, ठीक है, तो शायद विक्रम नीचे घिसेगा, थोड़ा नीचे घिसेगा, राइट। और इसका मतलब ये है कि एलआरओ और उसके बीच में डिफरेंस आएगा डिस्टेंस का, टाइमिंग चेंज होगा लेजर का। उससे आपको पता लग सकता है कि मून की जो सरफेस है वो ऊपर नीचे हो रही है क्या, राइट। ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि ये बेसिकली एज अ ग्राउंड मार्कर सर्व करेगा फ्यूचर लैंडर्स को, कोई भी लैंडर हो। सपोज फ्यूचर में कोई चंद्रयान या कोई नासा का या किसी और का मिशन जाता है और वो डिसेंड कर रहा है, ठीक है, वो नीचे आ रहा है, अभी नीचे आ रहा है, उसे पता है, उसके कैमरा से पता है उसका लोकेशन वगैरह, बट वो श्योर नहीं होता, राइट स्टिल। बट अगर वो एक लेजर कैरी करे और उस जनरल डायरेक्शन में फायर करे चंद्रयान 3 के और उसे रिटर्न सिग्नल मिले, उस सिग्नल के डिस्टेंस से वो लैंडर कॉन्फिडेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं अपना डिस्टेंस कि वो कहां है चांद के ऊपर। ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट ऑटोनोमस नेविगेशन को हेल्प करेगा फ्यूचर में, जब और भी ऐसे LRAs होंगे सरफेस के ऊपर जो एक्यूरेटली हम बता सकते कि किस लोकेशन पे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, डेफिनेटली इसरो भी शायद इसका यूज करे इस टेक्निक का फ्यूचर में। अभी इसरो की बात ही कर रहे तो सवाल आता है कि हम ये क्यों नहीं कर सकते, ये सेम एक्सपेरिमेंट हम भी कर सकते थे, राइट। प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोई एक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके ऊपर एक लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट हो। था चंद्रयान 1 के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी LLRI। ये चंद्रयान 1 जो है वो LRO से भी पहले लॉन्च हुआ, 2008 में लॉन्च हुआ। उसका भी अगर आप ये डायग्राम देखो, सिमिलर ही सेटअप था, एक लेजर सोर्स था और एक बड़ा टेलीस्कोप था जो उस रिसीवर को रिसीव करता। हमारे केस में कोई 5 डॉट्स वगैरह नहीं थे, एक सिंगल बीम था, पर वो बीम बहुत बड़ा था, 32 मीटर सरफेस पे था वर्सेस LRO को जो 555 के डिस्टेंस है। तो हाँ, हम कर सकते थे ये, पर प्रॉब्लम ये हुआ कि चंद्रयान 1 प्रीमेच्योरली गुजर गया, डेथ हो गई उसकी 2009 में, उसे कुछ इश्यूज आ गए थे हीटिंग के वगैरह। तो अगर आज चंद्रयान 1 होता तो हम भी ये कर सकते थे। एंड अगेन LRO का आप सेटअप देखो तो वो LRO इसके लिए बना ही नहीं है सब रेंजिंग वगैरह के लिए, राइट, क्योंकि वो तो ऑल्टीमीटर है, वो मतलब जुगाड़ करके इसका एक ऑल्टरनेट यूज निकाले है, उसके ऊपर कोई गिम्बल वगैरह नहीं है, देखो वो जैसे एक फिक्स लेजर है, फिक्स टेलीस्कोप है। तो हाँ, नासा भी चाहते हैं कि फ्यूचर में वो बेटर ऐसा कुछ फ्लाई करे। आई होप आपको कुछ सीखने मिला। अगर आप चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिकेय देवाल, जयम शर्मा, रोहित सोरना, नारायण प्रसाद, चैतन्य, प्रदीप मोहनदास, तन्मय देशपांडे, निशन कुमार, विशाल बारोत, हाइड्रेटिंग, पल्लव रानडे, सिद्धार्थ कृष्णन, कृपल पटेल, निशान प्रजापति, शौनक पेरनी, निसर्ग मानकड़, संजोत कावड़े, स्पार्क 164, सीवा नीलम, कुमार अखिल, बुट्टा सिंह, चंद्रबदन सिंह, श्रीकांत कापड़े, सिरिमस बैकयार्ड बोर्ड, विशेष वत्सल, व्हाट्स न्यू, ETPM, PP, अजित कामत, उर्वी भांबानी, रजत देशपांडे, कार्ति और कुछ एनोनिमस।